पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धक्कड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की, ये ज़रूरी है आपका पहुँचना सबका। और क्योंकि अब रुकावटें भी नहीं है, फैमिलीज भी आ सकती हैं, ख्वातीन भी आ सकती हैं, और ख़ास तौर पर मैं सारे पाकिस्तान में कह रहा हूँ हर शहर में निकले, जिस जिस शहर में आज शाम को आपको निकलना है हकीकी आज़ादी के लिए, ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। इस आज़ादी की जो जहाद है ये हमने जीती है, ये तब आप जीतेंगे जब आप अपनी सड़कों पे निकल के, अपने घरों से निकल के आप एक पैगाम देंगे। इस मुल्क पे पैगाम जाएगा आपका कि ना आपको ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी ना मंजूर है, और ये मुल्क के लोग किसी की गुलामी कबूल नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए हैं इनके खिलाफ आपका एहतजाज है। तो मेरी आप सबको कि जिन जिन शहरों में आप बाहर निकलें, और इंशाल्लाह डेढ़ घंटे दो घंटे तक मैं इस्लामाबाद पहुंच रहा हूँ, पूरी कोशिश करनी और इस्लामाबाद के लोग कोशिश करें कि डी चौक पहुंचे। शुक्रिया। सब ने कहा है कि जहाँ जहाँ भी कारकुन हैं, जिन शहरों में भी हैं, तो वो अपने शहरों से निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। और इमरान खान जितनी भी रुकावटें आ जाएं, तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की 25 मई की डेट में ही हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो ये उन्होंने कारकुनान से बात की है और आपने सुना, और इस पर अमल कीजिएगा। पूरा मन एहतजाज आप लोगों का जमहूरी हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।